नमस्कार, मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं जैन फॉर एडुकेशन। आज मैं क्वाड्रिलेटरल पर चर्चा करने जा रहा हूं। मैथमेटिक्स का ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ये चर्चा स्टूडेंट्स, टीचर और अदर्स जो मैथमेटिक्स में रुचि रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, उसके लिए उपयोगी होगा। लेट्स स्टार्ट द क्लास। प्रयास करूंगा कि यह टॉपिक 10 मिनट में ओवर हो जाए। आज का ये जो चर्चा का या मतलब डिटेल्स का जो लेवल होगा, स्टैंडर्ड होगा, वो क्लास 9 का होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंसीडर अबाउट व्हाट इज द क्वाड्रिलेटरल। आफ्टर दैट वी शैल डिस्कस अबाउट द सम ऑफ फोर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो सबसे पहले हम लोग आज क्वाड्रिलेटरल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। क्वाड्रिलेटरल है क्या? इसके लिए सबसे पहले एक क्वाड्रिलेटरल का फिगर ड्रॉ करते हैं। ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल है, इसका नॉमेनक्लेचर नाम लगा देते हैं। ए है ये, ये बी है, सी डी। तो आपका ए बी सी डी जो है आपका वर्टेक्स है। ए बी सी और डी आपका क्वाड्रिलेटरल का वर्टेक्स है। अगर कंसीडर करें तो डी और बी जो है आपका ए का एडजेसेंट वर्टेक्स है। अगर बी पर कंसीडर करें तो ए और सी आपका बी का एडजेसेंट वर्टेक्स है और डी आपका ऑपोजिट वर्टेक्स है। यदि सी पर कंसीडर करें तो बी और डी जो है आपका सी का एडजेसेंट वर्टेक्स है और ए जो है आपका सी का ऑपोजिट वर्टेक्स है। अगर डी पर कंसीडर करें तो ए और सी आपका डी का एडजेसेंट वर्टेक्स है और बी आपका ऑपोजिट वर्टेक्स है। तो अगर हम ये कंसीडर करें तो ए का एडजेसेंट वर्टेक्स बी और डी हो जाएगा, इसीलिए ए डी और ए बी जो होगा आपका एडजेसेंट साइड हो जाएगा इस क्वाड्रिलेटरल का। सिमिलरली यदि बी पर कंसीडर करें तो बी ए और बी सी एडजेसेंट साइड हो जाएगा क्वाड्रिलेटरल का। फिर सिमिलरली सी पर कंसीडर करें तो बी सी और सी डी आपका एडजेसेंट साइड हो जाएगा। अगर डी पर कंसीडर करें तो डी ए और डी सी आपका क्वाड्रिलेटरल का एडजेसेंट साइड हो जाएगा। तो इस तरह से एक क्वाड्रिलेटरल में आपका ए बी बी सी सी डी और डी ए चार साइड्स होते हैं, फोर वर्टेक्स होते हैं। अगर ए के ऑपोजिट वर्टेक्स जो सी है, अगर ए और सी को ज्वाइन करते हैं तो हमको जो साइड मिलता है उसको हम लोग डायगनल बोलते हैं। ये क्वाड्रिलेटरल का डायगनल हो जाएगा। ठीक उसी तरह से बी का ऑपोजिट वर्टेक्स डी है, अगर बी और डी को ज्वाइन करते हैं तो उससे हमको जो मिलता है उसे हम लोग क्वाड्रिलेटरल का डायगनल कहते हैं। तो इस तरह से क्वाड्रिलेटरल का दो डायगनल होता है और चार साइड्स होता है। अब इसी में से यदि हम कंसीडर करें तो आपका एडजेसेंट साइड ए बी और ए डी का बीच का जो स्पेस होगा, द स्पेस बिटवीन ए बी एंड ए डी इज नोन एज द एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। तो ये हम लोग क्वाड्रिलेटरल का एंगल बोलेंगे। ठीक उसी तरह से आपका बी सी और ए बी के बीच का जो स्पेस होगा वो भी आपका क्वाड्रिलेटरल का एंगल होगा। उसी तरह से बी सी और सी डी ये जो एडजेसेंट साइड है इसके बीच का जो एंगल होगा वो भी एक क्वाड्रिलेटरल का एक एंगल हो जाएगा। इस तरह से एक क्वाड्रिलेटरल में फोर एंगल्स हो जाएंगे। अगर हम डायगोनल को जॉइन कर देते हैं तो पूरा का पूरा क्वाड्रिलेटरल जो है आपका दो ट्रायंगल में डिवाइड्स हो जाएगा। यहाँ देख लेते हैं, ए और सी को जॉइन कर दिए तो ये हमारा पहला ट्रायंगल हो गया, ये हमारा दूसरा ट्राइंगल हो गया। पहला ट्राइंगल ए बी सी हो गया, दूसरा ट्राइंगल ए डी सी हो गया। तो हम जानते हैं कि किसी ट्राइंगल के थ्री एंगल्स का सम जो है 180 डिग्री होता है।
तो इस ट्राइंगल का 180 डिग्री, फिर इस ट्राइंगल का 180 डिग्री, अगर दोनों को ऐड कर दे तो 360 डिग्री जो आपका होगा, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। होप दैट देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड दिस एक्सप्लेनेशन। इस एक्सप्लेनेशन को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। The diagonal of a parallelogram divide it into two congruent triangles already। अब यहाँ पर parallelogram पर consider करते हैं। तो actually में parallelogram है क्या? तो आपका parallelogram एक प्रकार का quadrilateral है, एक प्रकार का special types of quadrilateral है। तो ये सबसे पहले parallelogram के concept को clear करते हैं। ये एक पैरेललोग्राम का फिगर है, तो ये एक प्रकार का क्वाड्रिलेटरल ही है। तो यहाँ पर अगर हम कंसीडर करें पैरेललोग्राम क्या होता है, तो ये और ये आपका ऑपोजिट साइड हो जाएगा, ये और ये आपका ऑपोजिट साइड हो जाएगा। तो पैरेललोग्राम बोलता है कि ऑपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होता है। तो ये आपका ये साइड और ये साइड आपका पैरेलल और इक्वल होगा। इसी तरह से ये साइड और ये साइड आपका पैरेलल और इक्वल होगा। उसी तरह से इसका ऑपोजिट एंगल जो होता है वो भी इक्वल होता है। तो ये और ये एंगल आपका ऑपोजिट हो जाएगा, तो ये एंगल और ये एंगल आपका इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली ये एंगल और ये एंगल भी आपका ऑपोजिट हो जाएगा, तो ये दोनों एंगल जो है आपका इक्वल हो जाएगा। तो एक पैरेललोग्राम विच इज ए स्पेशल टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल हैविंग टू पैरेलल एंड इक्वल ऑपोजिट साइड्स एंड ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ पर दो ऑपोजिट एंगल होंगे तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, ये एंगल इक्वल, उसके बाद ऑपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल होगा। अब इसको यदि हम इसके डायगोनल को एड कर देते तो ये आपका डायगोनल हो जाएगा। डायगोनल का कंसेप्ट ऑलरेडी पहले ही बता चुके हैं। तो ये और ये आपका जो दो ट्राइंगल जो होगा वो दोनों ट्राइंगल कंग्रुएंट होगा, मतलब उसका साइज जो है शेप और साइज सेम होगा। तो ट्राइंगल है तो शेप तो ऐसे ही सेम हो गया, अब साइज सेम होगा। मतलब देखिए आपका ये साइड इसके इस साइड के बराबर है, ये साइड आपका इस साइड के बराबर है, और आपका ये एंगल आपका इस एंगल के बराबर है। इन दिस वे एस ए एस कंग्रुएंसी से दोनों ही ट्राइंगल क्या हो जाएगा, कंग्रुएंट हो जाएगा। होप दैट इस स्टेप को भी समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ए डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कंग्रुएंट ट्राइंगल्स। ये सारे टॉपिक्स जो है आपका बेसिक कंसेप्ट के जैसा वर्क करेगा, जो हम लोग एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ ये आपका बेसिक कंसेप्ट के जैसा वर्क करेगा यदि आप जी वगैरह का प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं और जियोमेट्री से क्वेश्चन यदि पूछा जा रहा है, तो ये आपका बेसिक कंसेप्ट के जैसा वर्क करेगा। इन ए पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। तो यहाँ पर ये जो डायगोनल का जो कंसेप्ट है यहाँ पर हम लोग कंसीडर नहीं किए हैं, बाकी ये आपका ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इसको हम ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं इसके कंसेप्ट को। और डायगोनल्स में क्या होता है, यदि हम एक फिगर ड्रॉ कर देते हैं पैरेललोग्राम का, ये आपका एक पैरेललोग्राम का फिगर है। अब इसमें दो ही डायगोनल्स होंगे, एक डायगोनल ये हो गया, ये आपका दूसरा डायगोनल हो गया, ये दोनों ही डायगोनल यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो क्या करता है, बाइसेक्ट ईच अदर होगा, मतलब ये और ये आपका इक्वल हो जाएगा, फिर ये और ये जो है आपका इक्वल हो जाएगा।
तो इट मीन्स दैट इसको कंग्रुएंसी के द्वारा दिखाया जा सकता है एक बार इस ट्राइंगल और एक बार इस ट्राइंगल में कंसिडर कर लेंगे, कंग्रुएंट हो जाएगा, फिर ये ट्राइंगल और फिर इस ट्राइंगल पर कंसिडर कर लेंगे। तो आपका जो पैरेललोग्राम का डायगोनल जो है बाइसेक्ट ईच अदर होता है। होप दैट इसको भी समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। यदि इसका और डिटेल्स आप जानना चाहते हैं तो हम प्रत्येक रविवार को यूट्यूब में लाइव आते हैं, वहां पर इस टॉपिक को और चर्चा करेंगे। पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज इक्वल एंड पैरेलल, वही पैरेललोग्राम का ही है। डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर एंड इक्वल, कहता है कि यदि आप रेक्टेंगल जो एक प्रकार का स्पेशल टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम है, अभी आपका पैरेललोग्राम क्या था, तो एक प्रकार का स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल था। तो आपका रेक्टेंगल का अगर हम यहाँ फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, ये रेक्टेंगल का फिगर ड्रॉ कर दिए, ये रेक्टेंगल का फिगर ड्रॉ कर दिया, तो इसका डायगोनल जो है आपका इक्वल होगा और बाइसेक्ट ईच अदर करेगा। तो ये आपका पहला डायगोनल हो जाएगा और ये आपका इसका दूसरा डायगोनल होगा। तो लेंथ ऑफ द डायगोनल जो है आपका इक्वल होगा और ये आप जो है बाइसेक्ट ईच अदर करेगा। अगर यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये और ये आपका इक्वल हो जाएगा, ये और फिर आपका ये इक्वल हो जाएगा। होप दैट देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड दिस स्टेप और दिस टॉपिक टू। डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर राइट एंगल आर इक्वल। अगर ये भी एक प्रकार का स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम है जिसका फोर साइड्स इक्वल होता है। अगर हम स्क्वायर पर कंसीडर करें तो ये आपका स्क्वायर है, तो इसके डायगोनल जो होंगे ये बाइसेक्ट ईच अदर करेंगे कितने पर, तो यहाँ पर ये 90 डिग्री पर, और ये वैल्यू इक्वल होगा, ये और ये वैल्यू आपका इक्वल होगा। डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, रोम्बस पर कंसीडर करें तो इसका ईच एंगल जो है 90 डिग्री नहीं होगा, ये रोम्बस हो गया, लेकिन ऑपोजिट साइड्स जो है अपने ऑल साइड्स आर इक्वल। और रोम्बस वाले केस में जो होगा डायगोनल बाइसेक्ट होने के साथ साथ राइट एंगल का एंगल यहाँ पर बनाएगा 90 डिग्री का। अब ये एक्सरसाइज 8.2 से रिलेटेड है, आपका ये लाइन सेगमेंट और द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इज हाफ ऑफ इट। तो इसके लिए एक प्रकार का थ्योरम है, ये आपका ट्रायंगल ड्रॉ कर दिए, ये पहला साइड का मिड पॉइंट है, ये दूसरा साइड का मिड पॉइंट है, ये लाइन सेगमेंट को ज्वाइन कर दिए, तो ये थर्ड साइड जो बचा ये उसका पैरेलल हो जाएगा और हाफ हो जाएगा। सो इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, इस थ्योरम को प्रूव भी किया जा सकता है। आप हमारे यूट्यूब के लाइव क्लास में जुड़िएगा, वहां पर हम इस थ्योरम को प्रूव भी करेंगे। और ये जो है आपका एक बेसिक कंसेप्ट के जैसा वर्क करेगा एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करने के समय। A line through the midpoint of a side of a triangle parallel to another side bisect the third side. अब कहता है कि यदि आप इसमें एक ट्राइंगल लिए उसी का कन्वर्स है, ये मिड पॉइंट ले लिए और यहाँ इस मिड पॉइंट से इस साइड के पैरेलल में एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दिए, तो ये जो थर्ड साइड है उसको ये कर देगा बाइसेक्ट। इसको भी प्रूफ कर देंगे, नो प्रॉब्लम। ये भी आपका टॉपिक जो है बेसिक कंसेप्ट के जैसा वर्क करेगा।
एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करने के समय। द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इन ऑर्डर इज ए पैरेललोग्राम। यहाँ पर कहता है यदि आप किसी क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट को ऐड कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं, ये देखिए कोई क्वाड्रिलेटरल है, अगर इसके मिड पॉइंट को अगर हम ऑर्डर वाइज ज्वाइन करेंगे तो हमको जो फिगर मिलेगा वो पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो ये आपका यही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक था जो क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड था। होप दैट सभी श्रोताओं को इस टॉपिक के डिटेल्स को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। यदि दिक्कत हुआ है तो आप हमारे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपके डाउट को क्लियर करने का प्रयास करूंगा। ये आपका जो डिटेल्स है ये बेसिक कंसेप्ट के जैसा वर्क करेगा, एक्सरसाइज 8.1 और एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करने के समय। और साथ ही साथ ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का यदि कोई विद्यार्थी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये कंसेप्ट के जैसा वर्क करेगा। जी का यदि कोई प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके लिए भी ये कंसेप्ट के जैसा वर्क करेगा। तो होप दैट देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड। थैंक यू वेरी मच टू स्टे विथ मी टिल द लास्ट डिटेल्स ऑफ दिस टॉपिक विच इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर और टॉपिक ऑफ मैथमेटिक्स एंड द डिस्कशन लेवल इज ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ क्लास 9। तो आपका डिस्कशन लेवल जो था वो जिसका स्टैंडर्ड आपका क्लास 9 का था। तो होप दैट देयर इज नो प्रॉब्लम। थैंक यू वेरी मच टू स्टे विथ मी।